మేడం. बस्तान भाई प्रकाश कपनूर को हूँ, जल्दी जल्दी करो. दो बजे से पहले कर्नाटक नया एसोसिएशन मुन्ना धारवाड साहब और भाई साहब मिलकर एक नया एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन किया है. सबको इसमें मेंबर बना के अपनी एक सर्टिफिकेट प्लस फोटो के साथ उनके तक पहुँचा है और इसमें मैक्सिमम 95% मुस्लिम है. और इसके अंदर जो पत्रे का काम करने वाले, बॉडी का काम करने वाले, फील्ड काम करने वाले, ऑटोमोबाइल सेट के काम करने वाले, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमारे हाजी महका हूँ और उन लोग कंटिन्यू गुलबर्गा में घूम रहे हैं. इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद क्या था इनका बोले तो बहुत से तकलीफें थी. चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम था, उसको फेस करने के लिए बनाए. इंटरनल एक दूसरे का कॉम्पिटिशन था, उसके लिए बनाए. अब वो पूरे कॉम्पिटिशन इकट्ठा करके पूरे लोग बैठ के मीटिंग करके अपने पूरे मोटर व्हीकल मैकेनिकल एसोसिएशन वाले पूरे तरह के लोग बैठ के अपनी जगह पूरा हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, मैडम कनीज फातिमा को सपोर्ट करेंगे. इस तरीके से एक तरीके का डिसीजन लेकर आप लोग को सपोर्ट करें, उनका एक ही डिमांड है. आज बात करने का नहीं है, हमारे को क्या है इस बार हम सब कनीज फातिमा मैडम के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं. तहे दिल से बोलते हैं हम खमर साहब के साथ भी थे, मैडम के साथ भी हैं. अच्छा इसके अंदर एक मसला है, क्यों कांग्रेस के साथ हैं, वजह क्या है? हमारी एज हो गई, हम पढ़ने का नहीं है. अब हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको टूबी चाहिए नहीं चाहिए? टूबी रिजर्वेशन कांग्रेस उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट मेजोरिटी में आ गई तो हम टूबी वापस लेके आएंगे. हम इसके लिए कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा हम सिर्फ गुलबर्गा में, हमारे पास अपने दोस्त अहबाब साउथ नॉर्थ रूरल में जितने भी हमारे मैकेनिक्स दोस्त हैं उन्हें सब कांग्रेस के लिए आप अपने जगह प्रचार करना है फोन करके. अच्छा जोर से हमारा बोलो. अच्छा क्लैप की आवाज नहीं है जगह की, बहुत किल्लत है. इसके लिए जीत के आने के बाद पहला प्रेफरेंस हमारे ऑटो नगर बनाने के लिए जगह देने के लिए अपेश करते हैं मैडम से, उनके मुंह से सुनना चाहते हैं. मैकेनिक एसोसिएशन की मीटिंग में आए हुए यहाँ के सदर साहब, नायब सदर साहब, तमाम जिम्मेदार अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग अपने खुद से यहाँ पर आकर आप लोगों ने मेरा साथ देने का इरादा किया है. अल्लाह आपके इस इरादे को कामयाब करे और कांग्रेस पार्टी पावर में आए इंशाल्लाह ताला. आप लोगों से मैं यहाँ ऑटो नगर जो आप लोगों का एक
बनाने का आप लोगों का जो इरादा है इंशाल्लाह ताला कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद पहले हम कर्नाटक ये काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं देखी हूँ भाई हर जगह पर भी करना है, ऑटो नगर रहता है भी और हर जगह पर ये होता है, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी एक हम अच्छी सी जगह लेकर ऑटो नगर बनाएंगे। आप लोग जो रूप से आकर यहाँ पर मेरी लाइन का ऐलान किए हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुन्ना साहब अभी अभी जो गए हैं, टूबी का जो 4% रिजर्वेशन है वो वापस ले रहे हैं। इसके अलावा भी कई स्कीम है कांग्रेस पार्टी पावर में आने के बाद फिर से आप लोगों को, जो कमरुल इस्लाम साहब ने किए थे सिद्धरमैया साहब की गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज के लिए, वो तमाम स्कीम्स इंशाल्लाह लाने का इरादा है। और जो 5 नए स्कीम्स हैं जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं, जिसमें हर घर की महिला को, बड़ी महिला को 2000 रुपये अकाउंट में आएंगे, 200 यूनिट बिजली हर घर के लिए फ्री होगी, और 5 किलो चावल घर घर के हर फर्द के लिए फ्री है, हाँ 10 किलो चावल हर घर के लिए फ्री है। और जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ को तमाम बसेस में करना है, गवर्नमेंट बसेस में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं वो लोग, उन लोगों को पास बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसे टिकट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप तमाम लेडीज़ जहाँ भी जाना चाहते हैं करना बसेस में वो फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हों या लेडीज़ भी ट्रैवल करते हों, तो ये सब फ्री है। और एक स्कीम है नौजवानों के लिए, जो ग्रेजुएट होंगे बगैर नौकरी के बैठे हैं, वो लोग हर माह 3000 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे 2 साल तक, और इंशाल्लाह ताला वो पीरियड में नौकरी तो मिल जाएगी। और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो लोगों को महीना 1500 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे 2 साल तक। तो ये सारे स्कीम्स लेकर कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी लाई है ये तमाम स्कीम्स, इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट बनने के बाद ये तमाम स्कीम पूरे होंगे। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट देने का ऐलान किया है, शुक्रिया। ये एक रिवायत रही है, पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा कि आप बहुत ही दिलचस्पी है ना लेकर, आप लोगों को जोड़कर इलेक्शन से 2 दिन पहले इलेक्शन के दिन बहुत काम किए हैं, तो ये इलेक्शन बहुत ही है ना अहमियत का इलेक्शन है। ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है जिसे हम अगर कहें कि ये एक महायुद्ध है, जंग है, तो है ना मैं है ना कहूँगा कि कोई गलत नहीं कह रहा। इस इलेक्शन में आप कांग्रेस के उम्मीदवार गुलबर्गा शुमाल के कनीज फातिमा खमर इस्लाम साहिबा को पूरी भारी अक्सरियत से अपने घर का एक एक वोट देकर कामयाब कीजिए, इंशाल्लाह ताला वो मिनिस्टर बनेंगे। आपके है ना जो डिमांड है वो रखे हैं, वो भरोसा दिलाए हैं। मैं यही बात करना चाहता हूँ कि तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में, वो कौन सा भी कट हो, अजा का मामला हो और हिजाब का मामला हो, बहुत कुछ है ना हुकूमत, ये तासुब हुकूमत बहुत कुछ की है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है जिस पर हमारे को जर्ब लगा रही है, जो हमारा नुकसान पहुंचा रही है, वो है तालीम का मैदान। देखिए ये डबल इंजन की हुकूमत कहते हैं, ये लोग तासुब और फिरका परस्त फासिस्ट ताकतें हैं, जहाँ पे हमारा प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के स्कॉलरशिप थे, खमर इस्लाम साहब सिद्धरमैया जी रहने तक फॉरेन को है ना आला तालीम हासिल करने के लिए, फॉरेन को है ना जाने के लिए 5, 10, 15, 20 लाख तक जो बैंक के है ना लोन है ना वो है ना जारी किए थे, और भी कई स्कॉलरशिप और भी कई फ्लाई स्कीम वो पूरे रद्द कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी तालीम का, बैकवर्ड का हो, दलित का हो, पिछड़ी भी जात का हो, मुसलमानों का हो, ये जो पढ़ाई का जो गिराफ है वो हमारे बच्चों में गिर गया है, नीचे गिर गया है इन 5 सालों में। अगर आपको वो स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, बाहर आला तालीम हासिल करने के लिए सरकार से, बैंकों से लोन का मामला हो, और या फिर 4% हमारा रिजर्वेशन बहाली का मामला हो, ये है ना बहुत ही है ना अहम मुद्दे हैं।
खाना पीना ये तो है ना लगा रहेगा, ये तो अल्लाह है ना रज़ाक है, इसका रिस्क का इंतजाम किया है, कैसा भी वो खिलाता है। सुबह अगर भूखे भी अगर हम उठे तो शाम को अल्लाह ताला रिस्क का इंतजाम करके हमारा पेट भर के हमको सुलाता है। लेकिन तालीम के मैदान के लिए हमें अपनी कोशिश करना चाहिए, तालीम के लिए 4% रिजर्वेशन हो, स्कॉलरशिप हो, फलाही काम हो, आश्रय के है ना मकाना थे करीब के, आप है ना देखते हैं जहाँ कहीं भी अब सिलसिलवत आश्रय के है ना कॉलोनी।